उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किसान मजदूर संगठन के किसान अधिकार रैली का आयोजन किया, जिसमें आसपास के जनपदों से हजारों की तादाद में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रैली के मंच से किसानों की मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं रैली के दौरान किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह रैली किसान मजदूर बेरोजगार अधिकार की रैली है। आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से किसान मजदूर संगठन ने किसानों के बिजली बिल की समस्या, गन्ना भुगतान, गौधन, बेरोजगारी, काली नदी, कृष्णा और हिंडन नदी के स्वच्छ होने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को संवाद के जरिए समाधान करने की मांग की है। इसके साथ ही ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि अगर किसानों की समस्या समाप्त नहीं होती है तो जल्द ही एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। देखो, कारण तो आप लोग समझ सके हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान सड़क पार है। अगर पिछले 75 सालों में इस देश में किसान के लिए कानून बनाए जाते, इतनी बड़ी आबादी के लिए यदि सरकार कुछ सोचती तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसान खुद रहता और सरकार बनाने का जो प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी करता।